सर सब लोग पूछते हैं कि आप इतने दिन हो गए राहुल जी के साथ में, तो राहुल जी आप लोगों को पहचानते कि नहीं पहचानते? सर, नहीं पहचानते, तीन बार दोबारा जाके देखो मिलने को। भाई दोबारा क्यों आया? भैया बोल रही है अभी एक फायदा हुआ है कि पब्लिक कह रही है जहां भी चल रहे हैं गवर्नमेंट का आदेश है सड़कें बनती जा रही हैं। नहीं, रातों रात बनती जा रही है। हमें मध्य प्रदेश के लोगों से कह देना चाहिए, देखो हम तुम्हारी सब सड़कें बना देते हैं और आगे पीछे अभी चारों चारों ओर चल लेना चाहिए। आपने कमलनाथ जी को कुछ शिकायत की? सबका पेट खराब कर दिया। साथियों ने कहा कि शायद बाहर कुछ खा लिया। मैंने कहा क्या बात है, कहता है किसी को ठंड लग गई, चार को लगी और 120 को नहीं लगी, नहीं तो सबको लगनी थी। सर आपका कहना है अगर 25 का पेट खराब हो गया और 120 का नहीं हुआ तो फिट है। नहीं, वेदर चेंज की वजह से सर हो रहा है। बट धूल यहाँ सबसे ज्यादा है, क्योंकि सड़क खराब है ना, सड़क खराब है, सड़क टूटी हुई है, चल रहे हैं उससे। ये पहला प्रदेश था जहाँ हिंदी भाषी है, 18 साल से बीजेपी है। आपने पब्लिक से बात करी? आपको पब्लिक का माहौल समझ आया? बिल्कुल। ये कहीं और किसी प्रदेश में देखा आपने? नहीं, बस ये जो उत्साह है, और ये नहीं कि मैंने ऑर्गेनाइज किया है सर, अभी टीवी वाले को कह रहा था ऐसे, हमें तो कोई संगठित करने की जरूरत नहीं थी। ये तपस्या में और पूजा में क्या फर्क होता है? जो व्यक्ति तपस्या करते है उसमें किसी प्रति ईर्ष्या नहीं रहता है, और पूजा में ये सब चीज होती है, अपनी स्वार्थ उसमें भरा रहता है। तपस्या में श्रम जुड़ा हुआ है और एक अलग तरीके की साधकता जुड़ी हुई है, और उसपे पाने खोने का भाव वहाँ पे खत्म होगा। सर जो पूजा है उसमें एक मांगने की प्रवृत्ति तो है, लेकिन जो तपस्या है उसमें जो भी प्रश्न अपने अंदर है उनके सारे उत्तर को ढूंढना तपस्या है। यहाँ सब यात्री थे, अपनी अपनी परिवार फैमिली आए, सबसे मिलाए। जैसे जम्मू के इनके मैसेज आए, इन्होंने किसी से मिलाया ही नहीं। तो इवन आज जा भी रही है तो हमें नहीं बताया, हमको क्या बोलते हैं शास्त्री, अब भाभी से मिले ना, मतलब तुमने किसको मिला है, जिससे भी पूछो हमें तो नहीं मिला है, आज वापस भी जा रहे हैं। सर मैं दो विषय में बात करूं? नहीं, आप पहले इसका जवाब दीजिए। सर ये सब मेरे को बुआ जी बोलते। बुआ जी क्यों बोलते हो? सर सबसे लड़ती है, सबको डांट, सबको चुप। अच्छा, लड़ाई मतलब लड़ाइयां होंगी लोगों के बीच में? वैसे लड़ाई डांट डांट के चुप कराती है। बुआ की लड़ाई कैसे? मारपीट तो नहीं होगी? ये आपका सेल फोन चलता है क्या आप पे? नहीं, कई जगह नहीं चलता। आपके आने से 1 घंटा पहले और आपके जाने के 1 घंटा बाद। वो सारे जो अग्निवीर जो इन्होंने चलाया है बीजेपी ने, बहुत एक सोची समझी साजिश के तहत, और हमारे एक वहाँ गाना भी था, वो अब गाना भी बेमानी हो गया। अभी नीचे चले टैंक कैरियर, ऊपर जहाज हवाई, मुद्दे पड़ पड़ गोली मारा, जब आवे घर की याद लुगाई। तो हो गया, 4 साल में तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। इस यात्रा में हमें जो अलग अलग जगह को देखने का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला, भाषा को और संस्कृति को जानने का मौका मिला, तो मैं तो अपने आप को खुद सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इस यात्रा का हिस्सा हूँ। यात्रा ने पार्टी में अलग से जान फूंकने का काम किया, ग्राउंड लेवल। कहीं बाहर जाते थे तो बढ़िया जगह खाने पीने की देखती थी, इस यात्रा में हम ऐसे हो गए कि धरती में मिल जाए, छोटी दुकान मिले चाय पीने, बहुत बढ़िया, छोटी मिल जाते तो ये लगता है जन्नत में मिल गए। खुद की कैपेसिटी भी जानने का मौका मिला। इस पहले थोड़ा सा सर्दी जुकाम बुखार आता था तो डॉक्टर के पास भागते थे। परिस्थितियों में किस तरीके से अपने आप को ढाला जा सकता है, पहले उन परिस्थितियों का दर्द महसूस नहीं होता था, भले वो सुबह उठना हो, कभी पानी कम है, कभी गर्म नहीं है, कभी इतनी छोटी छोटी चीजें, लेकिन वो तकलीफ घर में रह के महसूस नहीं होती। तो गांधी जी ने एक बात की थी कि हिंसा से आजादी जो लेते हैं उसपे दोबारा उभार होने का खतरा है, अगर अहिंसा से लेके आजादी तो उसपे कभी खतरा नहीं होगा। तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से होते हुए चले आ रहे हैं, वहाँ के भौगोलिक दृश्य, उनके पहनावे, उनके खान पान, भाषा भले अलग है, लेकिन पूरे भारत में मैं देख रहा हूँ, 7 प्रदेश टहल लिया गया यात्रा में, तो सबका दिल एक। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते
सहजयोगी तुम दुंदुनते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना।